सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सिद्ध्यार्थमुपायं ब्रूहि अन्तः देव्यो वाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ठ साधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बः स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ मत्स्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्य देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनाम विजेतांसि देवी भगवते हृदा बलादाग्रज्य मोहाय महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मिता हर्ष भीष्मे जयन्तः स्वस्तिः स्मिता मतिमते वशुभां ददाति दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका सुकन्या सर्वोपकारकर्णाय सदा चित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टाहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते रोगान् शेषान् अपहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानाविपन्नराणां त्वामाश्रितायाशयतां वयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य गिरेश्वरि एवमेव त्वया कायमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः शतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकदारने चित्ता चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपाजिताजिः सर्वमन्त्रमयी सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्तारत्नाभिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञाविनाशने अपर्णानेकवर्णा च पादला पादला भदे पट्टाम्बल्वरिधानकलमञ्जीरञ्जनी
अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरे सरसुंदरे वन दुर्गा च मातंगे मतंगा मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा शैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दनी मधुकेतव हंद्वेज चंड मुंड विनाशनी सर्वासुर विनाशाज सर्वदानव गादिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्य धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ताज अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशवी युवतीयते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्ध माता फलप्रदा मोदरी मुक्तकेशी कौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया यदोदरी शिवदूती करादी च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जाय संप्रपदे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं बोधयित्वा तु धत्वा देवीं सुरेशनीं पूजेत्परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्व वे देवी सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासतां चान्ते राज्याश्रयमवाप्नुयात् घोरोजनानक्तकुमकुमेन सिन्धूरकर्पूरमदुत्तयेन विलेख्यनन्दां विधिना विधिज्ञोपवे सदा धारयते पुरारिः भौमा वास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतविशाङ्गते विलिख्य प्रवठे स्तोत्रं सापवे संवदाम्बराम् प्रातः कालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सभी भक्तजनों का माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी के दरबार में अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस समय इस पवित्र गुफा में पूज्य पुजारी जी द्वारा पिंडियों के रूप में विराजमान माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी की पंचामृत से और वैदिक मंत्रों द्वारा शोषोपचार विधि से पूजा की जा रही है। इस समय मनुष्य ही नहीं अपितु देवतागण भी अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस गुफा में पधारते हैं और करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी भक्तजन अपना ध्यान माँ भगवती के चरणों में ले जाएं और भक्ति भाव से इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्यः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो भीजं भृगवन्ध देवता सत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीतते सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निणां जन्मकेशिराज्ञातं तन्मे भूहि पितामह ब्रह्मोवाच अद्धिगुह्यतरं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासोकवचसम्पुण्य दर्शनेश्व महामने प्रथमं शैलबुद्धिज द्वितीयं ब्रह्मचारिणि तृतीयं चन्द्रकण्डेति कुष्मादेति यदोदकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं गादायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाश्रमम् नवमं द्वितीयधात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः मुक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निना देयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे
विष्णुमे दुर्गमे जेव व्यातः शरणं गता नादेशां जायते किञ्चिदशोभमरण सङ्गते नापतन्दस्य पश्यामि लोकदुःखं भयं नहि जेतुमद्यास्मि धानूनां देशां वृद्धि पयायते जेतुमन्दिधेवेति रक्षसे दान संशयः प्रेतसन्दातुजा मुण्डा बाला हिमयशासना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी जिगिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपातरा देवी ईश्वरी विश्ववाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता मातरा सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चन्द्रं गदां च देहलं चामसरायुधं केशकन्दोमरं देवपरशं पाशमेव च पुंसायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमोत्तमम् देव्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीतां देवानां च हिताय वै नमस्ते सो महारोद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने राहिमां देवि दुष्टेशे शत्रुणां भयवर्धने राश्यां रक्षतु मामेन्द्रि अग्निहामग्निदेवता दक्षिणेवाराहे नैत्यां खड्गधारिणी पतिचाम्भारिणी रज्जे वायभ्यामृगवाहिनी उदिच्यां वाद कौमारी एशानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रज्जे अधस्ता वैष्णवी तथा एवं दशो रज्जे जामुण्डाशववाहना जया मे चाकृतः पातु विजया पादो पृष्ठतः आशिला भामभाषेतु दक्षिणे जावराजिता शिखामध्योदने रजे उमामोदने विवर्तिता मालाधरे ललाते च भुवो रक्ते यशस्वने त्रिनेता च भुवर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खने जक्षिधोर्मध्ये ज्योतयोद्धारवासिनि पपोलौकालिका रज्ये कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां दुगन्धा च उत्तरोदे च झर्जिका हृदये चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्डिका चित्रखण्डा च महामाया च दालुके वामाधीशमुखं रज्ये वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां वज्रघाली च पृष्ठभन्धे तनूधरे नीलदेवावहे कण्डे नलिकां नलकोभरि सुगन्धयोः गर्गनीरज्ये बाहु मे वज्रदारिणि हस्योदन्दनीरज्ये अम्बिका जाङ्गुरेश च नखान्धुरेश्वरी रज्ये दुग्धोरज्ये गुरेश्वरि तनोरज्ये महादेवी मनः शोकविनाशिनि हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नभौ च कामणि रज्ये गुह्यं गुह्येश्वरे तदा पूतना कामि कामेष्ठं वदे महेशवाहिनी कट्यां भगवते रज्ञे याचुणि विन्दवासिनी जङ्गे महाबला रज्ये सर्वकामप्रदायिनि गुल्फयो नारसिंहे च पादपृष्ठे ददेशति पादाङ्गुलीषु रज्ञे पादादस्तलवासिनि नकान्द्रष्टाकराली च केशां देवदगेशनि रोमगोवेषु कोवेरि त्वजं भागेश्वरे तदा रक्तमञ्जलसामादान्यग्निमेधान्ति पार्वती अष्टानि कालरात्रि च वित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावलीपदं भोजे कफे ज्योरामनिष्ठता ज्वालामुखे नखज्ज्वालाय मेध्यां सर्वसन्दशो शुक्रा ब्रह्माणि मे रज्ये सायं भद्रेश्वरे तदा हंकारमनोबुद्धि रक्षे मे धर्मदारिणि प्राणापानो तथाभ्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रज्ये प्राणं कल्याणशोभना रथे लोभे च सन्दे च शब्दे भद्रे श्रियोगणि स्वध्वं दयस्तमस्तेव रक्षे नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च शक्नीं गोत्रमिन्द्रानि मे रज्ये पशो मे रक्ष चण्डिके
ऊर्ध्वा रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु वैरवीं पन्थानां सुपदारञ्जे मार्गं क्षेमकरे तदा राजदाये महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं यस्थानं भजितं कवचेन तु सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ते पापनाशने फलमेकं न गच्छेद् यदि जेजुमात्मनः यत्तैव गच्छति तन्न तत्तादलावश्च विजया सर्वकामिकः जञ्जयन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमधुरं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्ग्रामे च पलायितः त्रैलोके दुपभे पूज्यः कवचेनापितापमान् इदं दोरेभ्यः पदं देवानामपि दुर्लभम् जापठे प्रयतो नित्यं ते सत्यं सत्ययान्वितः देवी कलापभेदस्य त्रैलोके च पलायितः जीवेव सङ्ग्राममृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे नोदापितुपोर्गादयः सहबलं जङ्गमं देव कृत्रिमं जाविषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्दयन्तानि भूतले भूचरः केचराश्चैव यलयाचोपदेशिका सा जागरया माला ढाकिणी जाकिनी तथा अन्तरिक्षाचरा गोराढाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराजवेदाला कुष्मारावेरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचेः संस्थिते मनोनिदेवभेराज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् जसदा वर्तते सोऽपि कीर्तिमन्दितबोधले जपे सदृशते जन्ये मृत्वा धूकवजाम्बुरा जापद्भूमण्डलं दत्ते शशेदवनकारणम् तावदिष्टति मेतिन्यं सन्तते पुत्रबोधके देहान्ते परमं स्थानं जसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह बोधते ओ अथर्कलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्कलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोर्षिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाकत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ चण्डे मङ्गलाकारी भद्रकारी कपालिनि दुर्गाजनाजवाधात्रे स्वाहा स्वधानमासुरे जय त्वां देवि जामन्त्रे जय भूतादिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्तुते मधुगे तव विद्यावि विरात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जिहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जिहि रक्षबीजपदे देवि चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जिहि स्वम्भस्येव निशम्भस्य दम्रायस्तुतवर्धिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जिहि वन्दिताङ्गे युगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जिहि अचिन्त्यरूपजयिते सर्वशत्रो विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जिहि न तेभ्यः सर्वथा भक्त्या चण्डिके दलितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जिहि त्वद्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जिहि चण्डिके सततं चेत्त्वामर्जयन्ति अवक्तितः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जिहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जिहि वदेहि दुःखनाशं वदेहि वरमुच्चकैः
अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि विदेहि देवि कल्याणं वदेहि परमाशयाम् अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि पुरासुरतिरोरत्ने निगृष्ट जनयम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं यणं वरो अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि प्रचण्डेत्यधर्पग्ने चण्डिके प्रणदाय मे अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि चतुर्भुजे चतुर्भद्र संसुधे परमेश्वरि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि कृष्णेन संसुधे देवि सद्भक्त्या सदाम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि हिमाचल सुखानाथ संसुधे परमेश्वरि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि इन्द्राणि पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि देवी प्रचण्डलो दण्ड नित्य सर्वविनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि देवि भक्तजनो दामा दत्तानन्दोदयम्बिके अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि पत्नीमारमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्योपुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठे स्वातो महास्तोत्रं पठे नः स्वातो सप्तशते सङ्ख्या परमापनोति सम्पदा ॐ अथ कीलकम् ॐ अथ श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षिः अनुष्टवशन्दः श्रीमहासरस्वती देवताम् श्रीजगदम्ब विद्यताम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमातदारिणे सर्वमेव त्वया नीयमन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि देवमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्धन्तजानदादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुबलां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्त्रो नौषधं दत्त्वा नागेन्द्रेत विविध्यते विना चापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्नान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहः हित्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रम् भी चण्डिकाय दोदश्च गुप्तम् चकार सः समाधेन च पुण्यस्य तं यथा वन्नियन्त्रणाम् सोऽपि देवम् वाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्यामासमाहितः दधाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशापदेदते इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् जो निष्किलाम् विधायेण नित्यम् जपते संस्मदाम् सा सिद्धः लागनः सोऽपि गन्धर्भो जायते नः न चेदस्य भयम् कापि न जायते नाम मृत्युम् वशम् जाते मितो मोक्षापाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीद न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्य देवते सौभाग्यादि यत्किञ्च दृश्यते नदनायने तत्सर्वम् यत्प्रसादेन तेन याप्यामिदम् शिवाम् स्वनिहस्तोऽयप्यमानयज्ञे स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवजेव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ईश्वरेण यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते स न किं जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्राम् ऐहिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वादिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भोरिक
Shini Durmukha Mar Shini Hajade Tribhuvan Polini Shankar Do Shini Gila Vishmo Shini Gosharde Dhanu Shani Ro Shini Shidhi Zotaro Shini Dharmad Jo Shini Sento Zote Jai Jaya Himai Shatur Mar Shini Rambyaka Par Shini Shaila Sute Ai Jagadam Bhama Dhamba Kadam Bhavan Priyava Shini Hajade Thank you.
अखिल मंजम दे मिलत पुलिंद मनोहर कुंज तरंजित शैल निकुंज गे निज गुण बोध महाजवरे गण सद्गुण संप्रित के निधरे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैल सुदे कटि कल पीतद दुर्लभ चित्रमयो कतरस्त्रित चंद्रुचे प्रणत दुरासुर मोनि मणि सुत संशुल सन्मुख चंद्रुचे चित कन काजल मोनि पदोचित निर्वल गुंजर गुम्बकुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैल सुदे तारक संगर तारक संगर तारक सोन सुदे सुर समाधि समान समाधि समान समाधि सुजादे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैल सुदे पद कमलं करुणानिलये योनुदिनं न शिवे हयि कमले कमलानिलये कमलानिलया सकथं न भवे सर्वपदमेव परं परमेत्युनशीलशतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैलसुते कनकलदकन सिन्धुजलैरनुसिञ्चते गुणरङ्गभुवम् भजति सखीं न सखे गोचकुम्भतले पायिरम्ब सुखानुभवम् तव चरणं चरणं गर्वाणि न तामरवाणि निवासिशिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं शृणुकोदयते किं बलहोदपुरिन्दमुखे सुमुखे विरसौ विमुखे क्रियते मम सुमतं शिव नामदने भवते कृपया किं दाक्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैलसुते आई मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितामे अयि जगतो जननी कृपया सिजधासि दधारमि स्वादे जदुचतुमात्र भज्जरिरे गुरुदा धुरदा मम पागुरुदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैलसुते रम्यक मर्दिनि शैलसुते रम्यक मर्दिनि शैलसुते। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 28 निकाल लीजिएगा, यहीं से स्तोत्र पाठ शुरू होगा। श्री भगवते स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमो वरदे जय जय सागर गामिनी चंदनु दे
Yeah.
स्मरणं करोमि दुर्गे करुणानवे
शरत्वा मम भावयेतः महादेवी जसा योग्यं तथा गुरु। अब अंतरिक्ष काले लास्ट पे जो पुस्तिका आपके बीच में वितरित की गई पेज नंबर 30 मानसिक क्षमा प्रार्थना ही अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिज मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवहणं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि जलपूजितं मया देवि परिपूर्णं ददस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्भेति योजरेत् जां गतिं समवाप्नोति नाताम् ब्रह्मादयः सुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप त्वं जगदम्बिके इदानीमनुकं योऽहं जदेशसे तथा गुरु अज्ञानाधिस्मृते भ्रान्त्या झञ्झूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता सचिदानन्द विग्रहे गृहानगामि मां प्रेत्य प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोपे त्वं गृहाणस्मत्कृतं जपां सिद्धिर्भवतु मे देवि भद्रसाधा सुरेश्वरि सचियां गौतम वाले माता तेरी सदाई जय सर्ज मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदाई जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदाई जय बोलो सच्चे दरबारी की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। साधक जन अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इसमें जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत मां से प्रार्थना करते हैं, अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए
माँ भगवती का श्रवण करते ही माँ भगवती की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि न रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत सत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वास्तव में जो माँ भगवती आदि शक्ति जिन भक्तों प्रसन्न हो जाती है, जिन पर माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती की कृपा हो जाती है, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, उनके सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं, वह रोग से मुक्त होते हैं, धन धान्य की उनके जीवन में वृद्धि होती है, वह जिस कार्य के लिए अग्रसर होते हैं उन कार्यों में उन्हें सफलता प्राप्त होती है और उनका जीवन जो है वह कल्याणमय होता है। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से इस संसार में वह समस्त सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी जो है कल्याणमय हो जाता है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जना सरिधि संस्थे स्वर्गाप भर्गते देवी नारायणी नमस्ते। सब लोगों के हृदय में बुद्धि के रूप में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाले हे देवी, हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। तो जो भगवती प्रसन्न होने पर जो है, एक तो सबके हृदय में जो है ये परम कल्याणमयी बुद्धि को विराजमान रहती है, तो जो भक्तजन भगवती के शरणंगत होकर के भगवती की साधना करते हैं, जो भगवती उनके हृदय में परम कल्याणमयी बुद्धि को विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है, सुखों को देती है, सब कष्ट को दूर करती है और सर्वत्र उन भक्तों का कल्याण ही कल्याण करती है और फिर जो है इस संसार में स्व सुखों को भोग देते हुए अंत में जो भगवती उन्हें पर मोक्ष प्रदान कर देती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, अपनी मनोलक्षित कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, उन्हें सदा सर्वदा इस माँ भगवती की शरणंगत होकर के इस माँ भगवती कल्याणमय देवी की पूजा, माँ की आराधना, माँ का स्मरण, माँ की भक्ति, माँ के नाम का जप जो है, माँ के इस पिंडिक रूप में माँ के दरबार में आकर के माँ के दर्शन करना, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना, जिस सब ओर से कल्याण को देने वाला। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो व्यक्ति किस प्रकार से माँ की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं, वे व्यापार में वे सफल हो सकते हैं, कार्य में उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो शास्त्र में कहा है कि माँ भगवती की आराधना जो है इसका विशेष महत्व बतलाते हुए कहा है कि किस घर में माँ भगवती जो है स्वयं लक्ष्मी के विराजमान होकर के अवधियों को देती हैं, उन्नति को देती हैं, सुखों को देती हैं, कष्टों को दूर करती हैं, रोगों से मुक्ति देती हैं। तो कहा है कि जो व्यक्ति, जो भी नर नारी जो हैं, वह माँ शक्ति के सबसे अत्यंत प्रिय शास्त्र देवी भागवत का जो विधिवत जो निजो रूप से जो है वह पाठ करते हैं अथवा किसी विद्वान के द्वारा घर में करवाते हैं, श्रवण करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का निवास सदा सर्वदा बना रहते हैं। उस घर में जो है माँ लक्ष्मी जो स्वयं विराजमान होकर के अवधियों को देती हैं, उन्नति को देती हैं, सुखों को देती हैं, सब कष्टों को दूर करती हैं। माँ लक्ष्मी सदैव जो उस घर में निवास करती हैं। जो व्यक्ति जो है जो मधुर बोलने वाला है, प्रिय बोलने वाला जो है, क्रोधहीन है, जो क्रोध नहीं करता और माँ भगवती का भक्त है, ईश्वर का भक्त है, वह उसके घर में, उसके गृहस्थ में जय भगवती सदा सर्वदा लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है और सब ओर से अवधि को देती है। जो व्यक्ति जो है वह माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और इस प्रकार से बुद्धिमान, दयावान तथा गुरु की सेवा करने वाले जो ज्ञानवान लोग हैं, ऐसे संत महात्मा हैं, विद्वान हैं और दयावान हैं,
गुरु है उसके जो है वह सेवा करने वाले व्यक्तियों के घरों में जो है जो लक्ष्मी माँ भगवती जो स्वयं लक्ष्मी के रूप में होकर के सब ओर से मंगल करती है, कल्याण को देती है, उस घर में हमेशा जो निवास करती है। जिस घर में जो है यज्ञ होते हैं, हवन होता है, पूजा होती है, माँ की आराधना होती है, अनुष्ठान होते हैं, देव जप होते हैं, देवी देवताओं के नाम का जप किए जाते हैं, माँ शक्ति की विशेष पूजा जो है प्रातः काल सायंकाल दोनों समय परिवार एकत्रित होकर के माँ की जो जगा करके माँ की आरती करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, उस घर में भी जय भगवती लक्ष्मी के राज में होकर के अभद्यों को देती है, उन्नति को देती है, सब प्रकार के सुखों को देती है। जो स्त्री जो विशेष करके कहा है, जो स्त्री निजमल रूप से जो है गाय की पूजा करती, गौ माता की पूजा करती है, अर्थात गोग्राज जो प्रतिदिन देती है उसे प्रणाम करती है, उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उस घर में कभी लक्ष्मी जो है रोशनी होती, जिस घर में बहन नारी जो है स्त्री जो है गौ की सेवा करती है, गोग्रास पहले निकालती है और इस प्रकार गौ माता को प्रतिदिन प्रणाम करती है, उसके सभी रोग उसके कष्ट दूर होते हैं और इस प्रकार से माँ भगवती की माँ लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए देवी की पूजा इस शक्ति उपासना जो है सब ओर से परम कल्याण को देने वाली है। इस समय जो है वासांतिक नवरात्र चल रहे हैं, बड़ा ही जो उत्तम समय है, ऐसे परम पवित्र वेला में जो है आर्थिक समय आज जो है जय वसांतिक नवरात्र का द्वितीय नवरात्र है। माँ भगवती के जो नौ रूप हैं और नौ रूपों में माँ भगवती का दूसरा रूप जो है जय ब्रह्मचारिणी का है। भगवती के नौ रूप हैं, प्रथम शैल पुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे ते कुशमांडी चतुर्थकम पंचम स्कंद माते षष्ठम कातिनीति च सप्तम काल रात्रि ते महाघोरती च अष्टम नामम सिद्धि धात्री च नव दुर्गा पर कीर्ति। बोलो दुर्गा माता की जय। तो माँ दुर्गा के जो नौ रूप हैं और भगवती की जो नौ दिन की जो साधना होती है, जो विशेष शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचक दिन होते हैं, जिसमें भक्त जन जो है उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, माँ की जो जगाते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ को रिझाने के लिए भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवती माँ हम पर प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर के हमें हमारे परिवार को जो है आप आशीर्वाद दें, हम भक्तों का कल्याण करें, सब से हमारी रक्षा करें, हमसे किसी प्रकार से भी कोई त्रुटि कोई पाप हुआ हो, जन अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो माँ हमें क्षमा करना, क्योंकि हे माँ कपुत्र जात कभी कुमाता न भवती, पुत्र कपुत्र हो सकते हैं, माँ कभी कुमाता नहीं होती, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जिसमें सहन करने की और क्षमा करने की शक्ति होती है। माँ बहुत सहन करती है और जब पुत्र जो है इस प्रकार से श्रद्धा जो धोकर के माँ के शरणक धोकर के माँ को प्रणाम करते हैं तो माँ कितनी प्रसन्न होती है। घर में हम देखिए जब बच्चे जो है मंदिर में जाते हैं और जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, भगवती को प्रणाम करते हैं, इस प्रकार से जब ऐसा माता पिता देखते हैं हमारा पुत्र जो कितना सुधर गया है, कितने धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनको कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसे जो भगवती जगजननी जगत माता जो है, जब भक्त जन माँ के दरबार में आकर के ऐसा संकल्प लेते हैं कि माँ हम तेरी शरण में आए हैं और जो प्रतिज्ञा करते हैं कभी बुराई के मार्ग पर नहीं चलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए माँ हम आपकी भक्ति करेंगे, हे माँ हमें अपने चरणों से लगाइए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम जो है इसी तरह से आपके चरणों की भक्ति करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके, हमारा परिवार हमारा कुल जो है वह कल्याण को देखे, ऐसा हमें आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो दुर्गा की जो नौ शक्तियों का जो दूसरा रूप जो है ये ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्म जो शब्द का अर्थ जो है ये तपस्या है, तप जो है ब्रह्मचारिणी अर्थात जो तप की चारिणी, तप का जो है आचरण करने वाले तपस्चारिणी, वेदस तत्वम तपो ब्रह्म वेद तत्व और तप जो है जे ब्रह्म शब्द के जानते हैं, ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप जो है जे पूर्ण ज्योतिर्मय है और अत्यंत भव्य है, इसके दाने हाथ में जो है
जप माला है। जब माला लिए हुए हैं और बाएं हाथ में जो है ये करमंडल लिए हुए हैं, ऐसा जिनका स्वरूप जो है आज के दिन जो है इसी भगवती के स्वरूप का ध्यान करते, ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते साधक जन जो है अपने मन को जो है स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित कर करके भगवती का ध्यान करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं और ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करते हैं कि भगवती ब्रह्मचारिणी हम पर कृपा करें, क्योंकि ब्रह्मचारिणी का उपासक जो है उसके हृदय में जो है त्याग की भावना। और इस प्रकार से चाहे जीवन में आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने वाला, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाला भक्त जो है कभी वह धर्म से विचलित नहीं होता, किसी भी कार्य विचलित नहीं होता, वह विजय को प्राप्त होते हैं और उसके सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। इसलिए ब्रह्मचारिणी का आज के दिन जो ध्यान करते हैं उन्हें विशेष विद्या बुद्धि, कोई भी कार्य जो जिस कार्य के लिए अग्रसर होते हैं उन कार्य में उनको विजय प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है, अन्य कार्य जो है माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से सिद्ध होते हैं। बोलो सच्चे द्रवाल की जय। ता बड़े भाग्यशाली ही जब भक्तों को इन वसांतिक नवरात्र के द्वितीय नवरात्र के अवसर पर भगवती के चरण में बैठ करके आप भक्तों को माँ की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, ये जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस द्वितीय नवरात्र के अवसर पर आप सभी भक्तों को और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बोध बधाई, और भगवती जो है आप सब भक्तों का कल्याण करें, आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन में माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, सुख समृद्धि हो और भगवती हर स्थान पर हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर श्री सुरेश जी से मां के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए, ये आरती की वेला है, माँ का दरबार है, जहाँ पर बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं कि स्वर्ग जैसा जहाँ पर नजारा है, माँ का दरबार जो है इस प्रकार सब प्रकार के सुखों को देने वाला है, आत्म शांति आत्म सुख जो है ये देने वाला है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए जो है आप जो है भजनों के द्वारा जो है भगवती के ध्यान के द्वारा माँ का स्मरण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, मंत्रों के द्वारा किसी तरह से माँ प्रसन्न हो जाए तो भजनों के द्वारा भक्त जो है अपने भाव माँ के सामने रखते हैं कि भगवती आप हम पर कृपा करें, हमें आशीर्वाद दें और हम भक्तों का कल्याण करें, हमारी मनोलक्षित कामना को आप पूर्ण करें। मैं निवेदन कर रहा श्री सुरेश जी से, श्री सुरेश जी जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आवो आवो नी आवो आवो हत्था ते मंदी लावो बावा विच चूड़ा पावो ते कर ना शिंगार दाती दा शेरा वाली माँ बैठी मेरा वाली ते कर ना दीदार दाती दा आवो 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 हथा ते मेहंदी लावो बाहां विच चूड़ा पावो के कर ना शिंगार दातीदा शेरा वाली मां बैठी मेरा वाली के कर लो दीदार दातीदा आवो 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 हथा ते मेहंदी लावो बाहां विच चूड़ा पावो के कर ना शिंगार दातीदा शेरा वाली माँ बैठी मेरा वाली तो कर लो दीदार दीदार आवो 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 हथा ते मंगी लावो बाहां विच चूड़ा पावो के कर ना शिंगार दीदार शेरा वाली माँ बैठी मेरा वाली तो कर लो दीदार दीदार हाथ खोल कर लगाई गले गाले नहीं ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए, हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपने झोलियाँ भरे आपके मराठे पूरे करे आपका जीवन खुशी से भर देता है। आ
आगे दाती बच्चिया दे विच करके शेर सवारी आगे दाती बच्चिया दे विच करके शेर सवारी हो पीड़े उत्ते आके बह गई अके संगत सारी हो पीड़े उत्ते आके बह गई अके संगत सारी हो आ गई दाती बच्चिया दे विच करके शेर सवारी पीड़े उत्ते बैठी दाती अके संगत सारी पालो पालो ओ मन चुरमुट पालो ते उच्ची पेटा गालो ते मनो उपकार दाती दा शेरा वाली मां बैठी मेरा वाली ते कर लो दीदार दाती दा आवो 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 हथा ते मेहंदी लावो बाहां विच चूड़ा पावो के कर लो दीदार दाती दा शेरा वाली मां बैठी मेरा चूड़ा पाओ ते करना शिंगार दाती दा शेरा वाली मां बैठी मेरा वाली ते कर लो दीदार दाती दा आवो 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 हाथ ते मेहंदी लावो बाहां विच चूड़ा पाओ ते करना शिंगार दाती दा शेरा वाली मां बैठी मेरा वाली कर लो दीदार दाती दा आओ आओ कर्म वाले पागा वाले मानने नवराते कर्म वाले पागा वाले माने आए नवराते ओ देश मेरे दी गली गली बिच हुंदे पे जगराते देश मेरे दी गली गली बिच हुंदे पे जगराते ओ कर्म वाले पागा वाले मानने नवराते देश मेरे दी गली गली बिच हुंदे पे जगराते चुन्नी पालो ते सिर पे मुकुट सजालो ते मत्थे तिलक लगालो ते गल पाओ हार दाती दा शेरा वाली आ बैठी मेरा वाली ते कर लो दीदार दाती दा आओ आओ हथां ते मेहंदी लावो बाहां विच चूड़ा पावो के कर शिंगार दाती दा शेरा वाली मां बैठी मेरा वाली के कर लो दीदार दाती दा आओ 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 हथां ते मेहंदी लावो बाहां विच चूड़ा पावो के कर शिंगार दाती दा शेरा वाली मां बैठी मेरा वाली ते कर लो दीदार दाती दा आओ 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 हथां ते मेहंदी लावो बाहां विच चूड़ा पावो ते कर शिंगार दाती दा शेरा वाली मां बैठी मेरा वाली ते कर लो दीदार दाती दा आओ आओ आई गरीबां दे कर दाती कुल्ली बन गई मंदर आए गरीबां दे कर दाती कुल्ली बन गई मंदर ओ चरणा ते सिर धर के बह गया भगत मंदिर दे अंदर ओ चरणा ते सिर धर के बह गया भगत मंदिर दे अंदर ओ आई गरीबां दे कर दाती कुल्ली बन गई मंदर चरणा ते सिर धर के बह गया भगत मंदिर दे अंदर पीलो पीलो करना दाया मरित पीलो दुनिया ते जुग जुग जीलो हे सोना संसार दातिया शेरा वाली मां बैठी मेरा वाली ते कर लो दीदार दातिया आवो 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 हाथ ते मेहंदी लावो बाहां विच चूड़ा पावो ते कर लो शिंगार दातिया शेरा वाली मां बैठी मेरा वाली ਹੱਥਾਂ
ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਵੇ ਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜਾ ਪਾਵੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਵੋ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜਾ ਪਾਓ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲੋ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾ ਆਵੋ ਆਵੋ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰੀਏ ਮਹਾਰਾਣੀਏ ਬੋਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰੀਏ ਮਹਾਰਾਣੀਏ ਬੋਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰੀਏ ਮਹਾਰਾਣੀਏ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰੀਏ ਮਹਾਰਾਣੀਏ ਉਹ ਬੋਲੀਏ ਨੀ ਪਿਆਰੀਏ ਮਹਾਰਾਣੀਏ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਮਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਮਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਮਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਤਾਨੀਏ
आयो चोरी तेरे दर दूर करे ता जानी उमा सुनी नाजे साडी फरियाद रानी मां ओ सुनी नाजे साडी फरियाद रानी ए ओ सुनी नाजे साडी फरियाद रानी मां सुनी नाजे साडी फरियाद रानी ए मां आई नाजे तैनु साडी ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਏ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਏ जयकारा शिरवली दल बोल सच्चे दरबार की जय मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी
अपने बुला लो की तो क्या होगा। अच्छा लोगी
संभालोगी तो क्या होगा। बड़ा बेचैन रहता हूँ, संभालोगी तो क्या होगा। अपने चरणों में बसा लो अपने चरणों में बुला लो गीत तो क्या होगा। बुला लो गीत तो क्या होगा। बुला लो गीत तो क्या होगा। बसा लो गीत तो क्या होगा। बसा लो गीत तो क्या होगा। जयकारा श्री बोल सच्चे दरबार की। जयकारा शेरों वाली जी का। मैं खूब सजाया मैया तेरा दरबार। आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। खूब सजाया मैया तेरा दरबार। आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। सजाया मैया तेरा दरबार। आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। खूब सजाया मैया तेरा दरबार। आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। ओ साथ में हो लंगर वीर साथ भैरो नाथ हो। साथ में हो लंगर वीर साथ भैरो नाथ हो। साथ लंगर वीर वहाँ साथ भैरो नाथ हो। साथ में हो लंगर वीर साथ भैरो नाथ हो। साथ में गणेश जी का हो मदीदास। खूब सजाया मैया तेरा दरबार। आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। खूब सजाया मैया तेरा दरबार। आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। खूब सजाया मैया तेरा दरबार। आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। खूब सजाया मैया तेरा दरबार। आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। तैयार। स्वागत में हम तेरे खड़े हैं तैयार। हाथों में लेके मैं फूलों के हार। हाथों में लेके मैं फूलों के हार। माँ पहाड़ों वाली तेरे ऊंचे पहाड़। 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 भक्तों को दिया तूने प्यार विशुमार। भक्तों को दिया तूने प्यार विशुमार। भक्तों
भक्तों को दिया तूने प्यार बेशुमार, भक्तों को दिया तूने प्यार बेशुमार। ओ तेरी ही पूजा मैं रब की पूजा, तेरी ही पूजा मैं रब की पूजा, ओ तेरी ही पूजा मैं रब की पूजा, तेरी ही पूजा मैं रब की पूजा। पूजा करो मसी का धूप सजाया, धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार। तो साथ में हो ब्रह्मा जी सा श्री नारायण हो, साथ में हो ब्रह्मा जी सा श्री नारायण हो, साथ में हो ब्रह्मा जी सा श्री नारायण हो, साथ में हो ब्रह्मा जी साथ में नारायण हो, साथ में शिव भोले का हो मदीदार। धूप सजाया हो, धूप सजाया हो, धूप सजाया मैया तेरा दरबार, ओ शेरों वाली ओ के शेर पे सवार। धूप सजाया मैया तेरा दरबार, वो साथ में हो लंगर वीर साथ भैरो नाथ हो, साथ में हो लंगर वीर साथ भैरो नाथ हो, साथ में गणेश जी का हो माथीदार। धूप सजाया हो, धूप सजाया हो, धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाले आके शेर पे सवार। धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाले होके शेर पे सवार। भक्तों ने भक्ति की ओढ़ली चुनरिया, 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 हाथों में लेकर लाल 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 चुनरिया। मैया जोतों वाली तेरी ऊंची है शान, मैया जोतों वाली तेरी ऊंची है शान, मैया जोतों वाली तेरी ऊंची है शान, मैया जोतों वाली तेरी ऊंची है शान। बच्चों को ममता का दो वरदान, बच्चों को ममता का दो वरदान, बच्चों को ममता का दो वरदान, बच्चों को ममता का दो वरदान। तुझको उड़ाएंगे लाल चुनरिया, तुझको उड़ाएंगे लाल चुनरिया, वो तुझको उड़ाएंगे लाल चुनरिया, तुझको उड़ाएंगे लाल चुनरिया। हो रही जय जय का के शेर पे सवार। धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाले शेर पे सवार। साथ में हो देवियां साथ सारे देव हो, 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 साथ ऋषि मुनियों का हो मदीदार। धूप सजाया जाओ, धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाली हो के शेर पे सवार। धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाली हो के शेर पे सवार। धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाली हो के शेर पे सवार। धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाली हो के शेर पे सवार। साथ में हो लंगर वीर साथ भैरो नाथ हो, साथ में हो लंगर वीर साथ भैरो नाथ हो, साथ में हो लंगर वीर साथ भैरो नाथ हो, साथ में हो लंगर वीर साथ भैरो नाथ हो, साथ में गणेश जी का हो मदीदार। खूब सजाया हो, खूब सजाया हो, खूब सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाली हो के शेर पे सवार। खूब सजाया भक्तों की दर पे लगी है कतार, भक्तों की दर पे लगी है कतार, वो भक्तों की दर पे लगी है कतार, भक्तों की दर पे लगी है कतार। पाने को मैया रानी तेरा दीदार,
मैया रानी तेरा दीदार, पाने को मैया रानी तेरा दीदार, ओ भोले को मैया रानी तेरा दीदार, ओ भक्तों ने तेरी माँ जोत जगाई है, भक्तों ने तेरी माँ जोत जगाई है, हाथों में पूजा की थाली सजाई है, हाथों में पूजा की थाली सजाई है, ओ चरणों में तेरे भेंट चढ़ाए, चरणों में तेरे भेंट चढ़ाए, सुन लो हमारी पुकार, धूप सजाया धूप सजाया धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार, धूप सजाया मैया तेरा दरबार, आओ शेरों वाली होके शेर पे सवार, आओ माँ शेरों वाली आओ दरबार, आओ माँ शेरों वाली मेरे घर बार, आओ माँ शेरों वाली मेरे घर बार, आओ माँ शेरों वाली मेरे घर बार, माँ शेरों वाली आओ दरबार, आओ माँ शेरों वाली मेरे घर बार, आओ माँ शेरों वाली आओ दरबार, आओ माँ शेरों वाली मेरे घर बार, जयकारा शेरों वाली जी का दरबार की जय, आरोड़ा सदहंस भ्रमित गगने दक्षिणे चक सूत्र बाण हस्त दिभ्यांभ्र कणकमयं पुस्तकं जानगम्यं सभिनां भदन्ते सकर्कजपि शास्त्र विज्ञान शब्द त्रीणंत दिभिरूप कर कमलधर भारती सुप्रसन्न सच्चें ज्योतं वाली माता तेरे सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवाद 2076 उत्तरायण उत्तरगोल बसंत ऋतु चैत्र मास की आज 25 प्रविष्ट ही शुक्ल पक्ष आज द्वितीय तिथि ही रविवार तदनुसार 7 अप्रैल सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेषतया वसांतिक नवरात्र के द्वितीय नवरात्र के शुभ अवसर पर प्रातः काल की आरती में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी माता महासरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान शशि भव प्रज्ञा भान भव भूर्भुवत करण दान कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ जलन व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्म आरोग्यमाविदा शुभमानम हियते धनं धान्यं पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सर दीर्घमाज अस्तु दीर्घमाज। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सम्मिलित कर बोलना चालू जाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी
मैया जय आनंद करनी तुम तो निषद न जावत मैया जी तो निषद न जावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मद को जल से दो जल से दो नैना चंद्र बदन नी को ओम जय अम्बे गौरी तन सत मान चल रक्तांबर राज मैया रक्तांबर राज कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी मैया खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी चंद्र दिवाकर सम्राजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया महिषासुर गादी मैया शोभित वीर हरे मधु कैटब दो मारे सुर भय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी सत भैरो मैया नृत्य करत भैरो आयत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम हे जग के माता मैया तुम हे हो वरदा भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया भर मोटा धारी मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी मैया अगर कपूर बाजी श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी गावे मैया प्रेम सहित गावे सहस हरि हर स्वामी अनुवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी
मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी निषद न धावत मैया जी को निषद न धावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी ज्योत भले माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने भले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने भले माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबारी की जय। तब मैं निवेदन कर रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र साहित्य शास्त्र नीति शास्त्र तथा कर्मकांड के महाविद्वान राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सचंडी महायज्ञ के आचार्य प्रातस्मरणीय परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से क्या आज बसंती नवरात्र के द्वितीय नवरात्र के शुभ अवसर पर माँ भगवती के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी के अपने आशीर्वचनों द्वारा भक्त जनों को लाभान्वित करें परम श्रद्धा परम पूज्य गुरु जी। यम शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अरहं नित्यथ जैन शासनरताम् कर्मेति मीमांसकाः सोयम्बो विदधातु वांछित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। श्राइन बोर्ड के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव श्री विवेक वर्मा जी, यहाँ के प्रशासक एवं यज्ञ के प्रधान यजमान, आदरणीय श्री नरेश कुमार शर्मा जी, सभी विद्वज्जन, श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, आज द्वितीय नवरात्र के अवसर पर आपका इस सिद्ध पीठ पर भगवती माँ जगत जननी जगदम्बा वैष्णवी माता के दरबार पर अभिनंदन, आपका स्वागत। आज आप भगवती वैष्णवी माँ के जो मुख्य रूप से नौ रूप हैं उनमें से द्वितीय रूप का ब्रह्मचारिणी का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री ही थी और ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, वेद, जैसे कि कहा है कि ब्रह्म वेद तद अध्ययनार्थम यद व्रतन तदपि ब्रह्म। ब्रह्म वेद होता है, उसके अध्ययन करने के लिए जो व्रत है प्रतिज्ञा है वह भी ब्रह्म है। तद बदाचरणम यस्या, उसी की तरह जिसका आचरण है वह ब्रह्मचारिणी है और वही ब्रह्मचारी भी हैं। वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म, वेद भी ब्रह्म का नाम है, तत्व भी ब्रह्म का नाम है और तप की तपश्चरण करने के कारण से, तपस्या करने के कारण से इन देवी को ब्रह्मचारिणी कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि
नारद के उपदेश से शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारिणी ने बहुत बड़ी भारी तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या की, बड़ा घोर तप किया, और इतना तप कि हजार साल तक केवल कंद मूल और फल खा करके गुजारा किया, 100 वर्ष तक शाक खा करके निर्वाह किया, कई वर्षों तक खुले आकाश के नीचे धूप से ही, बारिशें से ही, और सर्दी के भी समय को झेला, 3000 वर्ष तक जो बेल वृक्ष होता है, बेल वृक्ष के नीचे गिरे हुए पत्तों को खाया और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उसके बाद पत्ते खाना भी छोड़ दिया। पर्ण नाम पत्ते का है, और पत्ते जब खाना छोड़ दिए तो इनका नाम हो गया अपर्णा, अर्थात पत्ते को भी खाना छोड़ने के कारण से अपर्णा नाम इनका हो गया। उसके बाद जब इनका तपस्या से शरीर काला पड़ गया और इनकी मां मीना जो है वो आई, देखा कि ये तो ब्रह्मचारिणी, इसका रंग और इसका शरीर रंग काला पड़ गया है, शरीर कृश हो चुका है, तो उसने कहा कि वो मां ये क्या, ये इस प्रकार का मतलब इतनी कमजोरी तुम्हें तपस्या से, तो उस समय बड़ी हैरानगी से उसके पूछने के कारण से इसका नाम एक उमा भी पड़ गया। अपर्णा, पार्वती, दुर्गा, मृणाणी, चंडिका, अंबिका, आर्या, दाक्षायणी, गिरिजा, मेनकात्मया, और उसके बाद ये जो आपने अभी नाम के लिए देखा कि अपर्णा एक नाम हुआ पत्ते खाना छोड़ देने के कारण से, और उसके बाद उमा हरियाणवी से जब उसकी माँ ने कहा तो उसका नाम उमा पड़ गया। उमा कात्यायनी, गौरी, काली, हेमवतीश्वरी, शिवा, भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, सर्वमंगला, जैसे भी माँ के ही नाम है। इसकी तपस्या से पूरे संसार में, पूरे विश्व में, देवी देवताओं में, सिद्ध गंधर्वों में एक आश्चर्यजनक बात पैदा हो गई कि इस प्रकार की इतनी घोर तपस्या इसी के द्वारा की जा सकती थी ये, और इसको कोई कर नहीं सकता। जब ब्रह्मा को पता चला तो ब्रह्मा ने कहा आकाशवाणी के माध्यम से कि हे देवी, इस प्रकार की कठिन तपस्या आप ही कर सकती थी, और कोई इस प्रकार की तपस्या नहीं कर सकता। इस तपस्या से हम प्रसन्न हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शंकर भगवान जो है वो आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आपके पिताजी आपको लेने के लिए आ रहे हैं, तपस्या से व्यर्थ हो जाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। इस प्रकार के ब्रह्मचारिणी की प्रतिज्ञा, इस प्रकार की ब्रह्मचारिणी को देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या अपने आप में दर्शाती है कि कोई भी कोई किसी प्रकार का काम करना हो तो लगन के बिना नहीं होता, तपस्या के बिना नहीं होता, और शरीर कमजोर हो जाए तो उसके बगैर भी नहीं होता। शरीर में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को जब पढ़ना होता है, याद करने के लिए स्मरण शक्ति भी यही है। जब कोई आदमी सुंदर रहना चाहता हो तो सुंदर रहने के लिए भी ब्रह्मचर्य ही आवश्यक है। जब कोई स्मरण शक्ति को धारण करना चाहता हो तो स्मरण शक्ति के लिए भी यही भगवती ब्रह्म इसी का रूप है, ब्रह्मचर्य ही है। असाध्य से असाध्य कार्य जो हैं वो ब्रह्मचर्य से हो सकते हैं। यदि बल क्षीण आदमी हो जाए तो क्षीण काय व्यक्ति, क्षीण कांति वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। भगवती मां से आज हम सभी शिक्षा लें कि जब भी कोई जीवन में काम करना है तो ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के
हम किसी भी असाध्य काम को भी करने के लिए तैयार होंगे वो अवश्य काम पूरा होगा। शास्त्रों को याद करना है, अपने विषयों को याद करना है, अन्य अन्य कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने हैं, सवाय ब्रह्मचर्य के हो नहीं सकते हैं। अद्भिगात्रा निशुद्ध्यन्ति मनः सत्ये निशुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञाने निशुद्ध्यति। ये शरीर जल से शुद्ध होता है। अद्भिगात्रा निशुद्ध्यन्ति मनः सत्ये निशुद्ध्यति मन जो है वो सच से शुद्ध होता है। जब कोई भी व्यक्ति अपना सत्य कार्य करता है, सच बोलता है, सत्य के आधार पर निर्भर रहता है, तो उसका मन जो है वो बहुत प्रसन्न होता है कि मैंने सत्य के आधार पर इस प्रकार का काम किया है। और सत्य में कहीं पर भी कोई किसी प्रकार को डर नहीं लगता, सत्य नास्ति भयंकुचित। और उस प्रकार से जब मनुष्य अपने आप को आगे बढ़ाता है, आगे कार्य करता है, तो अवश्य सफलता प्राप्त को होती है। मनः सत्ये निशुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। ये प्राणियों की आत्मा जो है वो किससे शुद्ध होती है? विद्या से और तपस्या से। वो तपस्या और विद्या ऐसे प्राप्त नहीं की जा सकती स्वाय ब्रह्मचर्य के। मैंने एक की बात कहती कि खीन काय व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इतनी बड़ी भारी तपस्या करने के फलस्वरूप देवादिदेव महादेव भगवती मां ने ब्रह्मचारिणी ने प्राप्त किए, ये कोई कम बात नहीं है। हम सभी, आप सभी किसी भी प्रकार का कोई काम, उसमें शरीर का बलिष्ठ होना, शरीर का पौष्टिक होना, शरीर का पुष्ट होना, परिपुष्ट होना बहुत आवश्यक है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, तपस्या से और विद्या से, ज्ञान से प्राणियों की आत्माएं शुद्ध होती हैं। और बुद्धिर ज्ञाने निशुद्ध्यति, बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञान से शुद्ध होती है। और वो ज्ञान ऐसे नहीं आ सकता, निर्बल मनुष्य के पास ज्ञान नहीं आ सकता, कमजोर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं आ सकता, बुद्धिहीन और ब्रह्मचर्य से रहित मनुष्य के पास ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए सभी विद्यार्थी जन, सभी लोग जो जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो विद्याओं को, कई प्रकार के विषयों को, विज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें ब्रह्मचर्य का आश्रय होना बहुत आवश्यक है। ये भगवती मां जगत जननी जगदम्बा जिसके दरबार में आप बैठे हुए हैं और जिस प्रकार के कार्य को आप सुन रहे हैं, यह कार्य श्रद्धा चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में बतलाया जा रहा है। और ये भी उस ज्ञान के अधिकारी बनते हैं, उस शुभ कामना के अधिकारी बनते हैं कि अपने इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में इस प्रकार के कार्य को प्रसारित करते हैं। मां भगवती जगत जननी सबका सहारा है, सबका आश्रय है और सबकी शक्ति है, ये आद्या शक्ति यही है। हो सकता है मैंने पहले भी कई बार कहा हो कि ब्रह्मा जगत सृजति पालयतिन्द्रेशः शंभुर विनाशयति देवि तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावै न स्यु कथञ्चिदपि ते निज कार्य दक्षाः। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं और विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, शंकर भगवान इसका संहार करते हैं, लेकिन हे मां, हे जगत जननी जगदम्बा, हे वैष्णवी माता, हे त्रिपुर सुंदरी, हे आद्या, हे जगत जननी मां, आपकी कृपा यदि उन पर ना हो तो वो अपना काम करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए सर्वत्र सब जगह पर जो जो शक्ति आपको दिखाई देती है वो इसी की कृपा है, इसी की ही सारी एक महिमा है। मैं इस समय आपसे कुछ कहना चाहूंगा और कहने का मतलब यही है कि जिस दरबार में आप बैठे हुए हैं, इस दरबार में भगवती मां की उपासना करने के लिए दुर्गा सप्तशती जो है वो हमारे लिए प्रमुख आधार है। और दुर्गा सप्तशती क्या है कि इस सुमेधा ऋषि ने 700 श्लोकों के द्वारा
राजा सुरथ और समाधि वेश्य को ये सारी कथा सुनाई है, ये सारा उपदेश किया है। सप्त का मतलब होता है सात और शत का मतलब होता है सौ। सात सौ श्लोकों के माध्यम से ये दुर्गा सप्तशती कही है। और इसमें कहने का अभिप्राय क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि मैंने हो सकता है पहले कहा हो कि किसी एक शास्त्र को लेकर ले लीजिए, किसी एक विषय को ले लीजिए, उस विषय में कहीं पर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पर आप वैभव भोग प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं पर कई प्रकार की अपनी मनोभिलषित कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यह दुर्गा सप्तशती एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है, आराध्य ग्रंथ है, इसके द्वारा आराध्या देवी भगवती माँ की जो स्तुति की जाती है उसमें कहा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताम, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताम, कालो न जाता वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम अपने आप में सोचते हैं कि हमने सारे भोग भोग लिए, नहीं, हम खुद भोगे जा रहे हैं, हमारा समय समाप्त होता जा रहा है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तपस्या हमने नहीं की, उस माँ की जगत जननी जगदम्बा की तपस्या नहीं की, उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं की, वो तप नहीं किया, हम खुद तपे गए और हम तपे गए उसके आधार पर। कालो न जाता वयमेव जाता, समय नहीं गया है, समय चल रहा है, अनंत काल तक ये अनंत काल से चला रहा है, अनंत काल तक ये चलेगा, लेकिन हम चले जाएंगे, हम समाप्त होने जा रहे हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारी तृष्णा वो जीर्ण नहीं हुई, बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए हैं, तृष्णा वैसी की वैसी अभी भी विद्यमान है। इसलिए हमें ये चाहिए इस जगत जननी जगदम्बा वैष्णवी माँ की कृपा से हमारा सब कुछ संपूर्ण हो सकता है, इसलिए क्यों ना इसकी शरण में आकर के हम अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से करें और अपनी मनोविलक्षित कामनाओं को पूर्ण करें। मैं यही तो बात कह रहा था कि सुमेधा नामक ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि वेश्य को, देखिए संसार की बात देखिए, राजा सुरथ बहुत बड़े एक राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और समाधि वेश्य बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा धनवान है, और राजा सुरथ के राज्य को कोला विध्वंसी, जिनकी जाति है कोला विध्वंसी नाम क्षत्रियों ने उसके राज्य को हड़प कर लिया, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार आक्रमण किया और उसका राज्य ले लिया, और जो जो वेश्य है समाधि नामक का वेश्य, उस वेश्य के पास बहुत पैसा था, सारे घर वाले इकट्ठे हुए, जो चाहे वो पिता हैं पुत्र हैं पत्नी है या अपने अन्य अन्य भाई बहन है, वो सब ने सारा पैसा उसका ले लिया और समाधि वेश्य को घर से निकाल दिया। दोनों जाकर के जंगल में एक साथ होते हैं और उनको एक दूसरे की सजा, वो एक दूसरे को वृत्तांत बनाते हैं, क्योंकि मैं समय नहीं है, समय न होने के कारण से मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप से आपको कह रहा हूं। जंगल में जाकर के वो मिले और एक दूसरे को पूछने लगे क्या बात है, क्या उन्होंने अपना अपना दुख रोना जो हमें सुनाया, उन्होंने कहा क्या अब क्या उपाय करना चाहिए। सुमेधा नामक के ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, फिर महाराज ये बात है, इस प्रकार की सारी बात हमारे साथ हुई, वेश्य ने ये सुनाया, राजा ने ये सुनाया। सुमेधा ऋषि जी कहते हैं, तामुपै ही महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सेव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदाम। हे राजन उसी की शरण में जाओ, तामुपे ही महाराज शरणम परमेश्वरीम उस परमेश्वरी की शरण में जाओ, आराधिता सेव नृणाम आराधना करने पर पूजा करने पर वही भोग को देने वाली है, वही स्वर्ग को देने वाली है, वही चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति को देने वाली है। उसके बाद सुमेधा नामक के ऋषि की आज्ञा को उन्होंने धारण किया और वो चले गए तपस्या करने के लिए, भगवती माँ की मूर्ति बना करके तपस्या करने लगे। कैसे तपस्या, निराहारो जताहारो तन मनस्को समाहितो दद तुस्तो बलिंचेव निगात्रा से गुखितम। निराहार रहना शुरू किया, यताहार अपने आहार पर संयम कर दिया,
और अनन्य मनस्क होकर के भगवती का ध्यान करके तपस्या करने लगे और अपने खून से जो बलियों का जिनका हवन करना था अपने खून से उन बलियों को पुरुषित करते थे, उसके बाद हवन करते थे। दलतुस्तो बलिंते वो नहीं गात्रा सुख एवं समाराधय तो श्रीवीर वर्षी जतात्मनो, इस प्रकार की आराधना 3 वर्ष तक उन दोनों ने की। परितुष्टा जगत धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका, वो जगत धात्री जगत जननी जगदम्बा जो है वो परितुष्ट हुई, प्रसन्न हुई और वो कहने लगी, यत प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा दयामि तत्। हे राजन, आपकी भक्ति पर मैं प्रसन्न हूं। हे समाधि वेश, मैं आपकी भक्ति पर प्रसन्न हूं। जो कुछ मुझसे मांगना चाहते हो मांगिए, मैं प्रसन्न होकर के आपको दूंगी। राजा कहता है, स्वर्प्रिय हो भ्यनृपते स्वम राज्यम प्राप्सते भवान। राजा ने कहा कि भाई मैं अपना जो राज्य है अपना राज्य प्राप्त करना चाहता हूं और जिन शत्रुओं ने मेरे राज्य को हरण किया है वो शत्रुओं को मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूं उन पर। उन्होंने कहा, स्वल्पी हो भिन्नपति स्वम राज्यम प्राप्त से भगवान, थोड़े ही दिनों में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे और अपुनरावर्ती राज्य दूसरे जन्म का भी राज्य जो वो आपको मिलेगा। वेश्य को कहा कि वेश्यवर यह तो या यश बरस्मत्तो विवांछिता तम प्रयच्छामि संसिद्धि तब ज्ञानम भविष्यति। वेश्य जो था वो बहुत निराश हो चुका था अपने परिवार से भी और अहंता ममंता उससे सब दूर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि वेश्य आप मोक्ष चाहते हैं, आपको मैं मोक्ष देती हूं, आप मोक्ष। इसलिए भगवती माँ जगत जननी जगदम्बा से जो कुछ जो व्यक्ति चाहता है उसको सब कुछ मिलता है और भगवती वेश्य भी प्रसन्न होकर के उनको देती है। मैं इस समय आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ये माँ और भारत वर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के जितने भी बच्चे जो हैं, जितनी भी संतानें हैं, वो सभी इसी के हैं। वो नहीं चाहती कि आप आपस में लड़ें भिड़ें, आपस में एक दूसरे के साथ द्वेष करें, आप एक दूसरे के साथ घृणा करें। सब मिलकर के आप रहेंगे और फिर भगवती माँ आपको पूर्ण रूप से एक आशीर्वाद देगी। इसलिए माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हम सभी एक साथ मिल करके रहें, एक साथ मैत्रीपूर्वक संबंध से रहें और किसी के साथ भी कोई द्वेष ईर्ष्या न करें। अपने देश को उन्नत करने के लिए, पूरे विश्व के लोगों की भावनाओं को अच्छा बनाने के लिए, पूरे विश्व में अपनी मैत्री संवर्धन के लिए हम काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ और कहना चाहता था, मैं कल कहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और एक वैदिक मंत्र के माध्यम से आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। पुनस्त्वादित्यारुद्रावसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः घृतेन त्वं तन्वन् वर्धयस्व सत्याः सन्तु जयमानस्य कामाः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव क्षीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः स्वस्य सुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबायिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अभी पुजारी जी आरती करने वाले हैं, अभी इस आरती का आनंद लीजिए और जिस प्रकार ब्रह्मचारिणी ने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तपस्या की थी, आप भी ध्यान लगा करके और इस आरती में भगवती माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए, भगवती आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। धन्यवाद। जय माता की। जय माता। Thank you.
जयकारा शेरवाली जी दा भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, जोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें और आप सबको भगवती माता रानी जी अपने दरबार में
जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। सभी मिलके और पूरे जोश के साथ बोलिएगा, जयकारा ऐसा बोलिए जो जयकारा आप बोलोगे। भगवती माता रानी, हमारी यही प्रार्थना है कि आपकी वो आवाज माता रानी जी से चरणों से आशीर्वाद लेते हुए पूरे देश में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में शांति लेके जाए, खुशियां लेके जाए, उन्नति लेके जाए। सभी मिलके और जोर से बोलिएगा, जोर से बोलो सच्चे हरी जय। थोड़ी कमी है, सभी को आरती का आनंद आया? अभी तो आपको आचार्य जी ने देखो कितने सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिए, तो जब आपको आनंद आया तो जोर से बोलिएगा बोलो सच्चे हरी जय, बोलो सच्चे हरी जय, आशीर्वाद जय माता दी। Thank you.